गाइस हमने पेजेस देख लिए। अब पेजेस के बाद जो सेक्शन है कमेंट्स का सेक्शन है, इसमें यह है कि जो बंदा हमारी ब्लॉग पोस्ट पे जाके कमेंट करेगा वो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, और हम यहाँ पे आके कमेंट को अप्रूव करना चाहें या कमेंट को हम अप्रूव नहीं करना चाहें, कमेंट को रिप्लाई करना चाहें या स्पैम बिन जो कुछ करना चाहें, हम यहाँ से आके कर सकते हैं। तो इससे हमें ये फायदा हो सकता है कि अगर कुछ गैर अखलाकी किस्म के वर्ड्स यूज हुए हों या कुछ कोई भी ऐसी कमेंट यूज हुई हो जो हम अपनी साइट पे नहीं पब्लिश करवाना चाहते, तो हम उसको यहाँ से या तो स्पैम या तो डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सेक्शन कमेंट्स का है। कमेंट्स के बाद ये जो WP फॉर्म्स है इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी अपीयरेंस वाला सेक्शन जो हमारी वेबसाइट की फुल फ्रंट को डील करता है। अब अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, थीम्स, थीम सबसे हमारे वेबसाइट की लुक के लिए सबसे जिम्मेदार जिसको हम ठहरा सकते हैं वो थीम है। इसके बाद कस्टमाइज के सेक्शन के अंदर जाके हम थीम की कुछ कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। विजेट्स, छोटे छोटे डिस्प्ले ब्लॉक्स होती हैं जिनको हम अपनी साइट के साइड बार में लगा सकते हैं या फुटर्स वगैरह में लगा सकते हैं। मेन्यूज का आइटम हमारे पास है। मेन्यूज में हम अपने हमारे पास जो नेविगेशन होती है हमारी साइट की वो हम सेट करेंगे। हेडर में आके हम अपने हेडर को देखेंगे, बैकग्राउंड, अबाउट, शेप, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारी साइट पे सबसे पहले हम थीम्स के ऑप्शन में हैं, तो यहाँ पे एक्टिव थीम हमें दिखा रहा है कि शेपली ये एक्टिव है। अब हम देखें यहाँ पे हमें चार कुछ ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले हम आप मैं आप वेबसाइट के फ्रंट को आपको दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट अभी कैसे नजर आ रही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट की जो लुक है फिलहाल, ये हमें इस तरह नजर आ रही है। अब हम जाते हैं अपने थीम के अंदर, जो हमें जो चार अपडेट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, पहले हम ये चेक करते हैं जो भी अपडेट्स नजर आ रही हों या जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हों तो उनको पहले चेक करें तो अच्छी बात है, ताकि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हों या जो अर्जेंट चीजें करनी हों तो वो हम टाइमली कर सकें। तो मैं अभी आया हूँ अपने शेपली, हमारा जो थीम है इसका नाम है, और इसके अंदर कुछ चार नोटिफिकेशंस हमें मिल रही हैं। तो चेक करते हैं, ये चार नोटिफिकेशंस हमने देखी भी थी पिछली वीडियो में। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने शेपली के नोटिफिकेशंस वाले एरिया में। अब यहाँ पे हमें स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, आपके साइट पे कई ऑप्शंस आ रही हैं। तो अब हम रिकमेंडेड एक्शंस में जाते हैं। अब वर्डप्रेस के थीम्स के एक और मजे की बात यह है कि तमाम थीम हमें डमी कंटेंट देती हैं। डमी कंटेंट ये कि पूरी बनी बनाई वेबसाइट होती है, मतलब एक पूरी बनी बनाई लेआउट होती है, और हम अपनी मर्जी से उनमें से कोई सा भी लेआउट हम सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो हम देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि इम्पोर्ट डेमो कॉन्टेंट। ये बता रहा है कि क्लिकिंग डेमो बटन विल इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स एंड विजेट्स, जो जो कुछ है। तो मैं ये करता हूँ इंपोर्ट डेमो कंटेंट। तो देखें ये भी प्लगइन जिसने साथ में इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया, तो ये प्लगइन एक्टिवेट करेगा और फिर आके इनको डमी डेमो कंटेंट को ये इंपोर्ट करेगा। तो इसके लिए हमें 1 मिनट या 2 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं। मैं बीच बीच में वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लंबी ना जाए, तो इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब कुछ थीम्स थी वो एक्टिवेट हो गई, और देखें हमें ये बताया कि डेमो कंटेंट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, और ये जो चार नोटिफिकेशंस वाली चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। अब हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट पे, इस फ्रंट को मैं रिफ्रेश करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारी साइट का लुक अभी किस तरह का है। ये हमारा डमी कंटेंट लोड हो गया, और देखिए हमारी साइट की जो लुक थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। ये चीज़ें देखें आपको नज़र आ रहा होगा, पहले जो हमारा कंटेंट था और अभी जो हमारा कंटेंट है टोटली चेंज है।
डमी कंटेंट का फायदा ये होता है। अब हम यहाँ पे आके ये पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके तो ये डमी लिया हमारे पास फ्री है। तो थीम्स में जाके हम ये चीज़ देखेंगे। अब थीम के अंदर हम ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, हम इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। कस्टमाइज के सेक्शन में जाते हैं। कस्टमाइज के सेक्शन में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हमें मिलेंगे। तो हम कस्टमाइज के पेज में आ गए हैं। अब देखिए कस्टमाइज में हमें सबसे पहले बता रहा है कि रिकमेंडेड प्लगइन है, तो इसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो हम कर लेते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट भी हो रहा है। प्लगइन्स का सेक्शन में हम जाके देखेंगे कि प्लगइन्स होती क्या हैं। तो हम ये जब तक एक्टिवेट होते हैं हम अगले सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे थीम ऑप्शंस के अंदर हमें साइट आइडेंटिटी, इसमें हम अगर अपनी वेबसाइट का कोई थीम सॉरी कोई लोगो अगर हम लगाना चाहें। अब यहाँ पे टेक्स्ट लोगो फ़िलहाल लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अच्छा ये मेरा जो थीम या प्लगइन था वो एक्टिवेट हो गया है, तो ये फिर इस पेज को रीलोड कर रहा है। अभी हम अपने साइट पे कोई लोगो लगाएंगे। लोगो के लिए हम जाएंगे, अच्छा एक और कोई प्लगइन है इसको भी इंस्टॉल करने का कह रहा है, हम ये भी कर लेते हैं। साइट आइडेंटिटी में मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये स्टिल लोड कर रहा है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो लग रहा है आज। ये जो टेक्स्ट बना हुआ है ये फिलहाल ये टेक्स्ट हमारे वेबसाइट पे आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम अगर इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं तो मैं लिखता हूँ कि माई वेबसाइट, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि ये फिलहाल साइट टाइटल यहाँ पे लोगों के हिसाब से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई पिक्चर लगाते हैं तो कोई भी लोगों का पिक्चर हम लगा सकते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाएगा इस टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे हम अपनी साइट के लिए कोई भी स्लोगन या कोई भी टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो जो सेटिंग्स हैं, अब यहाँ पे साइट आइकन है। साइट आइकन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो वर्डप्रेस का साइट आइकन आपको ब्राउज़र पे नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे जाके हमने अपनी वेबसाइट के लिए अपना साइट आइकन हमने सेलेक्ट कर देना है। वो हमारे लोगो का छोटा सा पार्ट होगा या हमारी पूरी लोगो भी हो सकती है, तो उस चीज़ का ख्याल करते हुए हम अपना साइट आइकन लगाएंगे। उसके बाद मेन ऑप्शंस के अंदर हम जब जाते हैं तो टेक्स्ट फॉर फुटर कॉल आउट, मोबाइल मेन्यू ऑन डेस्कटॉप, हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस कुछ चेंज होते रहेंगे। अब ये देखें मुझे नहीं पता कि हर ये थीम क्या क्या काम करती है, तो इसलिए मैं हर ऑप्शन को मैं खुद जाऊँगा एक्सप्लोर करूँगा। अब देखिए मैंने मोबाइल मेन्यू किया तो यहाँ पर टॉगल बन गया और ये मेन्यू इस तरह ओपन हो रहा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये फिर नॉर्मल नेविगेशन बार बन जाएगी। यहाँ पे फुटर, अब ये देखें यहाँ पे लिख के बता रहा है कि द टाइटल ऑफ दिस कॉल टू एक्शन सेक्शन फ्रॉम द फुटर। तो फुटर में हम यहाँ पे आएंगे, ये हमारी वेबसाइट का फुटर है। यहाँ पे अगर हम आके लिखते हैं कुछ भी तो देखते हैं कि कुछ अपीयर हो रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे ये चीज अपीयर हो गई। अब हम और ऑप्शंस देखेंगे इनको, अगर हमने कहीं पे लिंक कराना हो। फिलहाल देखें ये कॉल टू एक्शन फुटर पे लगा हुआ है। अब कॉल टू एक्शन वो चीज़ होती है जो हम अपने यूजर्स से कोई चीज़ अगर हम करवाना चाहें अपने साइट के ऊपर, तो कॉल टू एक्शन हमेशा अपनी नेविगेशन बार जो होती है अपनी मेन मेन्यू वहाँ पर रिकमेंडेड होती है। ट्रांसपेरेंट हेडर का मतलब ये होता है कि ये जो आप की पिक्चर जो लगी हुई यहाँ पे ये आपके मेन्यू के पीछे आ जाएगी तो फुल कवर हो जाएगा। और यहाँ पे मज़े की बात है हम जो जो यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वो हमें फ्रंट पे नज़र आ रही होती हैं, तो ये बहुत ही वर्डप्रेस का आसान तरीका है। अच्छा अब ये पीछे क्यों नहीं आया, यहाँ पे भी कोई मसला लग रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करके चेक कर लेता हूँ तो भी ये कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं ये भी बंद करके चेक कर लेता हूँ। जब तक लोड होता है हम और ऑप्शंस देखते हैं, ये ऑप्शंस काम नहीं कर रहा। तो कभी कभी ये भी होता है कि ऑप्शंस वगैरह कुछ काम नहीं करते हैं तो आप
आप बार बार ट्राई करें तो हो सकता है कि वो काम करने लग जाए। कलर्स में फिर हम अपने वेबसाइट के जितने भी टेक्स्ट कलर्स हैं, लिंक्स के जो कलर्स होते हैं वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक की सेटिंग जब आती है तो यहाँ पे देखें ब्लॉक नेम इन द टॉप कॉल आउट हेडिंग फॉर द ब्लॉक पेज, हम इसको ब्लॉक ही कर देते हैं। और जो सेटिंग्स हम करेंगे हमें पब्लिश कर देना है। और यहाँ पे हम ग्रिड व्यू दिखाना चाहेंगे। ग्रिड व्यू भी होती है कि बिल्कुल बराबरी में चीज़ें शो हो रही होंगी हॉरिजॉन्टली। इसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन है कि साइड बार हम राइट पे रखना चाहते हैं, कैटेगरीज हम दिखाना चाहते हैं, टाइटल्स हम दिखाना चाहते हैं, और कोई ब्लॉग के पेज के लिए हम कोई इमेज वगैरह सेट करना चाहते हैं। इसके अलावा ब्लॉग सिंगल सेटिंग्स में जब आप देखें तो शो द टाइटल इन द हेडर यस, टाइटल अबव द पोस्ट यस, डेट भी दिखाएं, ऑथर का नाम दिखाएं, कैटेगरी सब कुछ ठीक है। आपको जो जो चीज़ समझ नहीं आती इनमें उनको आप बाय डिफॉल्ट पे ही छोड़ दें या उनको आप गूगल करें तो आपको समझ आ जाएगा। बैकग्राउंड इमेज में आपकी पूरी वेबसाइट की जो बैकग्राउंड की इमेज होगी वो चीज़ आप देख सकेंगे यहाँ पे। अब मैं ये इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको नज़र आना चाहिए ये बैकग्राउंड में। अब देखें मेरी ये पिक्चर चेंज हो रही है बैकग्राउंड के अंदर, देखें यहाँ पे तो ये पिक्चर थोड़ी सी हेवी लग रही है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है या फिर ये सेक्शन को कवर कर लिया इसने। तो इस तरह बैकग्राउंड में आप इमेज डाल सकते हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो पिक्चर रिमूव हो गई। फुटर के अंदर आप आएँ तो यहाँ पर आप जो टेक्स्ट लिखना चाहें, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुटर टेक्स्ट, तो ये यहाँ पे फुटर पे कहीं पे आना चाहिए। अब देखें फुटर टेक्स्ट मैंने लिख लिया तो ये फुटर टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। हम इसकी जगह ये जो कॉपीराइट वाले जो सिंबल्स वगैरह होते हैं वो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन्यूज का सेक्शन हम अलग से देखेंगे, विजिट्स भी हम अलग से देखेंगे, होम पेज की सेटिंग्स में सेटिंग्स में देखेंगे। ये लॉग इस्तेमाल इसका कुछ है लोगो ऑप्शंस के अंदर, अच्छा ये लॉगिन पेज की जो आपकी सेटिंग वगैरह है ये वो भी करवा के देता है ये थीम आपको। यहाँ पे आप लोगो हाइड करेंगे तो ये लोगो हाइड हो गई। टेक्स्ट लोगो आप डालना चाहें तो टेक्स्ट लोगो भी आ सकता है यहाँ पे कहीं, और इसकी लोगो ही अच्छी लग रही है तो फिलहाल हम ये लोगो ही लगा देते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी सर एक्सप्लोर करें, बहुत ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास एडिशनल सीएसएस का। एडिशनल सीएसएस में आप थोड़ी सी सीएसएस की कोडिंग आप करते हैं। सीएसएस का कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट होती है जो हमारी वेबसाइट को डेकोरेट करने में हमारी काम आती है उसकी स्टाइलिंग में। तो अगर आपको CSS का नॉलेज है तो आप इस सेक्शन में आके आप CSS का कोड यूज़ करते हुए अपनी साइट की चेंजिंग वगैरह थोड़ी सी कर सकते हैं। अगर आपको CSS नहीं आती तो फिर इस सेक्शन को आप रहने दें। यहाँ पे एक और प्लगइन है जो हमें इंस्टॉल करने का कह रहा है तो हम ये भी इंस्टॉल कर देते हैं। और ये वर्डप्रेस पे हमेशा ये होता है कि जो चीज़ आप इंस्टॉल करते हो उस चीज़ को आपने एक्टिवेट भी कर देनी होती है। तो ये प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद खुद से एक्टिवेट भी हो रहा है। अब एक और प्लगइन मांग रहा है। अच्छा इसके पास काफ़ी प्लगइन्स होंगी जो हमारे हमने पीछे हमसे रह गई होंगी तो उन प्लगइन्स को यहाँ पे हमसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करवा रहा है। और देखें थीम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है। थीम डॉक्यूमेंटेशन वो चीज़ होती है, अब जो जो थीम होती है उस थीम की यूसेज के ऊपर एक पूरी फाइल बनी होती है उस चीज़ को थीम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आके आप अगर आप चेक करें तो इस थीम की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो ये प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर लेंगे। हम जाते हैं दूसरे अपने डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड पर हम देखते हैं कि हम कस्टमाइज सेक्शन हम देख रहे थे, अब हम रिकमेंडेड प्लगइन्स में जाके देखते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। अब यहाँ पे काफ़ी प्लगइन्स हैं, देखें ये तीन प्लगइन्स हमें इंस्टॉल और एक्टिवेट करनी है।
तो ये वीडियो भी हमारी थोड़ी सी लंबी हो रही है, मगर खैर हमें काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं। तो इस तरह हम फिलहाल शेपली थीम यूज़ करें। आप कोई भी थीम यूज़ करें, उनमें उस थीम की सेटिंग्स होंगी और वो भी सेटिंग इसी तरह ही हमें बता रही होंगी कि आगे फर्दर स्टेप्स खुद ही सेल्फ एक्सप्लेन कर रही होंगी। तो ये चीज़ें हमारे पास एक्टिवेट हो रही हैं। अब हम इसके जो अगला सेक्शन है विजेट्स का सेक्शन, हम विजेट्स के सेक्शन के ऊपर जाएंगे, इसको भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये थी, ये जो ऑप्शन, ये कहीं ना कहीं जाके हमारी हेल्प करेंगे हमारी वेबसाइट बिल्डिंग में। अब जो मैं करने लगा हूँ ये थोड़ा सा एक्टिवेट होने में टाइम ले रहा है। अब मैं जाता हूँ विजेट्स वाले सेक्शन में, मैंने नए टैब में ओपन कर लिया। अब विजेट्स का जो सेक्शन है, विजेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डिस्प्ले ब्लॉक्स होते हैं, मोस्टली हमारी वेबसाइट के साइड बार और फुटर पर लगे होते हैं। अब ब्लॉक के सेक्शन में मैं जाके आपको दिखाना चाहूँगा हम जो पोस्ट बनाए थे। ये करते हैं कि यहाँ पे जाके मैं ब्लॉग लिखता हूँ, तो मुझे लेके ब्लॉग के पेज पे चला जाएगा। अब ब्लॉग के पेज से मैं कोई भी पोस्ट खोलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारी विजिट्स वहाँ पे कैसे सेट होती हैं। यहाँ पे ये ऐड बार बार आ रहा है, तो इसको आप इग्नोर करते जाएं। यहाँ पे जो थीम्स हमने डाली हैं, उन थीम्स की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे साइड बार, साइड बार का जो विजिट है, इसमें पहले सर्च लगा हुआ है, सर्च बार लगा होगा, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, ये फिर कोई और चीज़ आ गई। मैं फिर से अपने साइट के ऊपर चला जाता हूँ, अपने पोस्ट के सेक्शन में जाता हूँ और मैं यहाँ से मैं खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इस पोस्ट को व्यू करता हूँ। व्यू जब मैं करूँगा तो ये मुझे मेरा पोस्ट को फ्रंट पे ले जाके मुझे दिखाएगा। अब देखें, सबसे पहले सर्च बार लगा हुआ है, उसके बाद रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, कैटेगरीज, मेटा। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर मैं सर्च बार को पकड़ के सबसे नीचे लेके जाता हूँ, तो देखें ये खुद इसको सेव कर रहा है। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे नज़र आएगा, जो सर्च बार सबसे टॉप पे था वो सबसे नीचे आएगा, ये आप देख रहे हैं। तो विजिट्स जो हैं ये छोटे छोटे डिस्प्ले ब्लॉक्स हैं, ये या तो आपकी वेबसाइट के साइड बार पे होती हैं या तो फुटर पे होते हैं। तो यहाँ पे देखें फुटर के विजिट्स, हम यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं लगा हुआ, तो मैं फुटर पे कुछ चीज़ में डाल के देख लेता हूँ। नेविगेशन मेन्यू में फुटर पे डालता हूँ। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन, ये मेन्यूज कुछ नहीं बने हुए कह रहा है। अच्छा, हमने मेन्यूज बनाए नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, हम पेजेस डालते हैं। अब मैं टाइटल लाता हूँ, टेस्ट टाइटल, और ये सेव कर रहा है, मैं भी इसको सेव कर लेता हूँ और इसको डन करते हैं। और मैं फिर अपने फ्रंट पेज पे आके मैं फ्रंट पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें जो पेजेस थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और टेस्ट टाइटल मैंने लिखा था, तो ये मेरा विजिट यहाँ पे लग गया है। तो इस तरह अगर आप विजिट 2, विजिट 3 और विजिट 4 पे जाएं, तो विजिट 2 इसके बराबर में आएगा, विजिट 3 फिर इसके बराबर में आएगा और विजिट 4 सबसे एंड पे आएगा। इस तरह हमारे विजिट्स डिस्प्ले होती हैं। विजिट्स के बाद हमारे पास है मेन्यूज। मेन्यू अब आप देखें तो देखें हमारे पास यहाँ पे फिलहाल कोई मेन्यू नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बता रहा है कि ऐड अ मेन्यू। तो हम मेन्यू के ऑप्शन पे चले जाते हैं और सबसे पहला काम ये होगा कि हमें एक मेन्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। मेन्यू क्रिएट करने के लिए अभी यहाँ पर खुद हमें ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्राइमरी मेन्यू और मैं क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। जब मैं क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने मेन्यू का नाम लिखा और यहाँ पे ये इसका ये करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ पेजेस हैं जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके इनको ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ, तो ये सारे पेजेस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब मैं होम पेज को ड्रैग करके सबसे ऊपर लेके जाता हूँ, कॉन्टेक्ट को सबसे नीचे लेके आता हूँ, सैम्पल पेज में नहीं चाहता कि मेन्यू पे आ जाए, मैं रिमूव कर देता हूँ। अबाउट अस को मैं दूसरे नंबर पे लेके आता हूँ और इसको यहाँ से मैं प्राइमरी पे सेट कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे जब ये सेव होता है तो यहाँ पे मेन्यू जो है, ये जो मैंने मेन्यू बनाई है उस पर सेट होगा।
मैं पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ। जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो देखें आप, ये मेन्यू मेरे पास यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक सर्च बार भी आ रहा है। अब ये मेन्यू बन के यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। हम अपने कुछ पोस्ट भी मेन्यू पे लगा सकते हैं, बट जनरली ये होता है कि पोस्ट मेन्यू पे नहीं लगते, हम कस्टम लिंक्स लगा सकते हैं। अब कस्टम लिंक ये करेगा कि मेन्यू पे एक आइटम जाएगी, मगर वो हमारी ना तो कोई पोस्ट होगी ना तो कोई पेज होगी, वो सिर्फ एक एक्सटर्नल या किसी भी जगह पे हम उसको लिंक करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ अपने नाम से और मैं रीडायरेक्ट करता हूँ इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर, और मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ। तो ये सबसे एंड पे आ गया। अब मैं फिर से मेन्यू को सेव कर लेता हूँ और मैं फ्रंट पे आके अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेन्यू आइटम नज़र आएगा। अब जब मैं इस मेन्यू आइटम पे क्लिक करूँगा तो ये जो मैंने लिंक सेट की थी मुझे लेके एक्सटर्नल लिंक पे चला जाएगा। तो ये मैंने अपनी ब्लॉग का लिंक लगाया था, तो ये अब मुझे रिडायरेक्ट कर चुका है मेरी ब्लॉग के ऊपर। तो ये देख सकते हैं मेरी वेबसाइट खुल गई है। हम वापस हैं, हम कैटेगरीज लगा सकते हैं, हम होम पेज के कोई सेक्शंस हमने अगर बनाए हैं तो वो सेक्शंस हम लगा सकते हैं। हेडर के ऑप्शन के अंदर जब हम आते हैं, हेडर का ऑप्शन जो होता है, ये जगह जो है हमारे साइट की जिसमें हमारी नेविगेशन और जिसमें हमारी लोगो और ये सर्च बार वगैरह लगे होते हैं, इस चीज़ को हेडर कहा जाता है। हेडर के सेक्शन में जब हम जाते हैं तो देखें यहाँ हमें लेके हमारी फिर कस्टमाइज वाले सेक्शन पे लेके आ गया है, और यहाँ पे हम अपनी हेडर को उसी तरह सेट कर सकते हैं जो हमने ऑप्शंस देखी थी कस्टमाइज के सेक्शन में। मैं इस हेडर में कोई इमेज डालना चाहूँ, अब देखिए ये चीज़ें मुझे भी पता नहीं है, मैं एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ तो मुझे खुद चीज़ें पता लगती जा रही हैं। तो ये इंटरनेट भी थोड़ा सा आज आहिस्ता चल रहा है। अब यहाँ पे हम कोई पिक्चर्स वगैरह लगाना चाहें तो वो हमारी साइट के जो मेन्यू और नेविगेशन बार के जो बैक साइड में वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रही है, इस जगह पे चीज़ कवर हो जाएगी। अब हम अपने हेडर को भी हम देख चुके हैं, तो हम अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। बैकग्राउंड का वो भी हमने अपने हेडर के अंदर देख लिया था, वही जो हमने बैकग्राउंड पे पिक्चर लगाई थी, ये चीज़ हमने देख लिया। थीम एडिटर जो है, थीम एडिटर अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कोई कोडिंग का नॉलेज है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, पीएचपी की, पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसपे वर्डप्रेस बनी हुई है, तो अगर आपको पीएचपी पे प्रोग्रामिंग आती है तब ही आप इस सेक्शन को छेड़ें, अगर इसके अलावा आप इस सेक्शन को ना छेड़ें। यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे रहा है, तो हम वापस जाते हैं गो बैक। तो इस तरह हमारा अपीयरेंस का सेक्शन कवर हो गया है। तो कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।